गाथा सुनाता हूँ मैं शिष्य रूप भगवान की, कृपा सदा बनी रहे इस दीन बंधु महान की। श्री अंश से जन्म हुआ है विभूति बहुत महान का, जगत को तारने आए हैं सुनो जीवन इस भगवान का। धन पिता है माता इनके उच्च कुलीन के ब्राह्मण है, धन है वह बाला गाँव ऋणी सारा ये केरल है। अरविंदु नाम है बचपन का, मौज मस्ती में आए हैं, किश्ती चलाना शौक था जिनका बंसी वाले कहलाए हैं। अच्छी शिक्षा पाई थी सन्यासी इन्होंने धारण किया, सब कुछ जानते हुए भी छोटी उम्र में था घर त्याग दिया। चंद्रकार के खेल दिखाए काशी में था निवास किया, शिव सब रूप ने दीक्षा लेकर बचपन में था तप किया। सागर मंथन हुआ था जब अमृत कलश विवाद हुआ, इंद्र देव का पता बताया विष्णु ने अभिशाप दिया। इस सतयुगी बालक ने जब श्री चरणों में थपिन किया, तब जग पालन करता ने स्वामी को था क्षमा किया। कुंभ का पर्व स्नान जब भी इस दुनिया में आता है, जहां भी स्वामी जी वास करें वहां इसी का फल मिल जाता है। काशी के प्रयाग कुंभ में लाखों ने था स्नान किया, इस शिवधाम के नलकूप में सबको अच्छा फल मिला। श्री कृष्ण का जन्म हुआ जब शंकर जी ने ध्यान किया, गोपाला गोपाला कह के प्रभु का था अभिनंदन किया। जन्म जन्मांतर के योगी हैं युगों युगों तक तप किया, अखड़ मस्त मौला योगी को इन्होंने था गुरु धारण किया। पशुपति व कश्मीर में जाकर लोगों का उद्धार किया, कैलाश धाम की यात्रा करके जीवन था साकार किया। छूत त्यागी इन्होंने जातिबत में प्रवेश किया, काशी लामा कहलाए स्वामी खत्म सारा भिन्न भेद किया। सृष्टि के रचना कर है शिव, शिव स्वरूप में बसते हैं, अंतर्यामी प्रभु हमारे तीन लोक में रहते हैं। ये सब की सुनते हैं और कृपा दृष्टि दौड़ाते हैं, मनोकामना पूर्ण करके सबका दिल बहलाते हैं। किसी से कुछ भी लेते नहीं है, सबको मुरादें देते हैं।
महादयालु स्वामी हमारे सबकी झोली भर देते हैं, सबकी झोली भर देते हैं, सबकी झोली भर देते हैं। सृष्टि चलाना काम है इनका, इनकी भवे लीला सुनो, सर्वव्यापक है स्वामी हमारे, कुरालिया ने की कहानी सुनो। विचित्र आगमन प्राली का सोलन से ये आए हैं, साल का राम की कुटिया में शुभ डेरा अपना लगाए हैं। दत्तात्रेय जी गुरु है इनके, भृगु जी गुरु भाई है, कल्याणकारी है प्रभु हमारे, शिव रूप शक्ति आई है। भृगु जी ने इनके जीवन का पूरा है विस्तार किया, कुराली में डेरा लगवा कहीं ना जाने का आदेश दिया, श्री चरणों में आते हैं। नदी पार वाले स्वामी जी शिव भोले कहलाते हैं, तर्क शक्ति है अजीब इनकी, वाक युद्ध में आगे हैं, बड़े बड़े इतिहासकार भी नतमस्तक हो जाते हैं। भोजन इनका निराला है, दूध का सेवन करते हैं, अपने तपोबल के द्वारा निंद्रा अपनी हरते हैं। स्मरण शक्ति है अपार इनकी, हर बात इन्हें याद रहती है, इस कैलाश धाम में सदा जगतारिणी गंगा बहती है, विनोद के रोचक दर्शन इनमें हमेशा होते हैं। सब भक्तों के रोगों के उपचार पूर्ण होते हैं। इस शिव धाम में त्योहारों की घटा बड़ी ही निराली है, गुरु पूर्णिमा और शिवरात्रि, मकर संक्रांति, दिवाली है, इनकी महिमा कैसे कहें, सब हैरत में पड़ जाते हैं। इनकी कृपा ही से भक्तों लंगर भी सज जाते हैं। चमत्कार ये गुप्त हैं करते, भेद कोई ना पाता है, प्रेम प्यार और श्रद्धा से हर प्राणी शीश झुकाता है, जी की दिनचर्या में सत्संग बड़ा निराला है। रविवार का सत्संग तो मन को लुभाने वाला है, दूर दूर से श्रद्धालु आकर यहाँ एकत्रित होते हैं। सायंकाल में आरती के सामूहिक उच्चारण होते हैं, इनकी कृपा पाने को बस लोग यहाँ पर आते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता को वो अपने घर ले जाते हैं। नाम दान देकर स्वामी ने
हम पर कर्म कमाया है। शिव शिव हर हर महादेव का हमको शब्द सुनाया है, हमको शब्द सुनाया है, हमको शब्द सुनाया है। राजनगरी पर विशेष कृपा है, सबको है कृतार्थ किया। हमारे शिव मंदिर में देखो स्वामी जी ने प्रकाश किया। भृगु जी महाराज के ऋणी है जिन्होंने है नामकरण किया। सिद्धेश्वर महादेव रख कर सबको है प्रसन्न किया। महेंद्र जी पर कृपा की है दोबारा जीवन दान दिया। इनको श्री चरणों में लगाकर जीवन का उद्धार किया। धर्मपाल सिंघल ने हम पर कमाल का एहसान किया। एक निराला जो की लिख कर हमसे अंधेरा दूर किया, सेवक ज्ञान हुआ सब कुछ न्योछावर कर ही गया। पूरी कृपा कर दी उन पर जीवन उनका तर ही गया। जोशी जी ने चालीसा लिखा था कैलाश के दर्शन होते हैं। यह प्रिय स्वामी हमारे इनके चरणों को धोते हैं। रघु कहे हैं शंकर शंभु रणवीर पर उपकार करो। लिख लिख गाए भजन तुम्हारे आप हमको स्वीकार करो। सिया राम पर साया इनका सदा सदा ही बना रहे। दीन बंधु ये बने रहे और कृपा दृष्टि होती रहे। दीन बंधु ये बने रहे और कृपा दृष्टि होती रहे। दीन बंधु ये बने रहे और कृपा दृष्टि होती रहे, कृपा दृष्टि।